सो फाइनली दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है और वो वीडियो दोस्तों एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट वीडियो है जिसके अंदर बॉलीवुड के, भारत के, इंडिया के, ओवरसीज के जाने माने स्टार है दोस्तों, तीन बड़े स्टार जो कि एक गुटके का प्रचार कर रहे हैं, एक ऐसे गुटके का प्रचार कर रहे हैं जिसको खाने के बाद दोस्तों सब लोग, जी हाँ, एक ही बोली बोलेंगे, जुबा केसरी, जुबा केसरी, जुबा केसरी, जुबा के, जुबा केसरी, ये ऐसा कुछ, ये जुबा केसरी, पान खाओ विमल पान मसाला और जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी दोस्तों, आप सब भी कमेंट करके बोलो जुबा केसरी दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइव कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करूंगा बड़े बड़े खुलासे भाई, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो भाई लोग आपको बता दूं कि इस एडवर्टाइजमेंट में, ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली एक घर के बाहर एक बड़ी सी लग्जरी कार जिसमें बैठे हैं अजय देवगन और शाहरुख खान जी। और दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन के हाथ में स्टीयरिंग है और बेसिकली शाहरुख खान जी बोलते हैं, अरे यार कहां रह गया अपना अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को एक क्या बोलते हैं विंडो पे एक बॉल से मार के विंडो तोड़ते हैं, फिर अक्षय कुमार जो है अंदर कमरे में बैठ के हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रहे होते हैं, अचानक उन्हें खुशबू आती है, खुशबू खाने की खुशबू नहीं आती है, गुटके की खुशबू आती है। और बेसिकली उसमें क्या होता है कि नीचे घर के बाहर अजय देवगन जो है विमल मसाला को फाड़ते हैं और ऐसे खाते हैं, ऐसा खाने के बाद फिर उसकी खुशबू जाती है ऊपर तक, मतलब भाई साहब इतनी तेज खुशबू है कि ऊपर तक जा रही है, और खुशबू सुन के हमारे भाई साहब अक्षय कुमार, जी हां दोस्तों, खिलाड़ी नंबर वन, जी हां दोस्तों, अभी मिशन रानीगंज जाइए, मतलब पगड़ी पहन के जो अपनी मर्यादा का ध्यान देते हैं, शानो शौकत का ध्यान देते हैं, वो अक्षय कुमार जी आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और दोस्तों तीनों यार जब मिल जाते हैं तो फिर बोलो दोस्तों क्या जुबा केसरी, जुबा केसरी, जुबा केसरी। भाई आपको बता दूं कि भारत के इंटरनेशनल स्टार, मतलब इन बंदों को पैसे की इतनी कमी हो गई कि यार एक ये गुटके का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन बहुत अमीर, शाहरुख खान ओवरसीज एक्टर, हालांकि दोस्तों फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। अब तो दोस्तों आपको बता दूं कि छपरी लोगों के हाथ में अब मिलेगा विमल पान मसाला, हालांकि छपरी लोगों ने जवान देखा, लेकिन थोड़े दिन पहले अगर वो एडवर्टाइजमेंट और आता ना तो छपरी लोग गुटखा वही खाते और थिएटर के बाहर थूक थूक देते। मतलब भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया पूरी जनता आपको उस नजरिए से देखती है, अपना आइडियल इंस्पिरेशन आपको मोटिवेशन मानती है, आपको हर बार फॉलो करती है, आप जो पहनते हो, जो खाते हो, जो लगाते हो, वो सारी चीजों को फॉलो करती है, एक आपको इंस्पिरेशन मानती है, और आप लोग एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट का प्रचार कर रहे हो। आप साफ साफ लफ्जों में, मैं कहता हूं चलो कुछ हेटर लोग बोलेंगे कि भाई साहब शाहरुख खान ने तो खाया नहीं, वो तो अजय देवगन ने खाया है, अरे भाई वो तो वही बात हो गई कि क्या बोलते हैं, खून करते समय बंदे के हाथ में चाकू था और उसके जो पार्टनर था उसको तो हम निर्दोष कह देंगे, उसने तो खून किया ही नहीं, वो तो वहां पे आरती उतार रहा था उस बंदे की। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि इतने बड़ा, इतना बड़ा जाना माना चेहरा, ये लोग एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, यंगस्टर इनको फॉलो करते हैं, और यंगस्टर के दिमाग में क्या बैठेगा, जब आएगा यार एक विमल पान मसाला दियो, एक यार विमल पान मसाला, तो यार इन लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट शोभा नहीं देता है। सबसे बड़ा फैक्टर कि भाई साहब अक्षय कुमार ने जब इसका एडवर्टाइजमेंट किया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे पहले, उन्होंने माफी मांगी थी जनता से, कहा था कि मैं अब से ऐसे एड्स को नहीं शो करूंगा, इस पे काम नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों इस एड के रन होने के बाद, जो ये नया एडवर्टाइजमेंट आया है, इसको देखने के बाद अक्षय कुमार फैंस पागल हो गए हैं, ट्रोल किए जा रहे हैं, यहां तक कि भाई मिशन रानीगंज में जो परफॉर्मेंस दी अक्षय कुमार ने मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन अब मैं विमल पान में उनको देख रहा हूं तो इमेज की धज्जी उड़ दी। मतलब एक बंदा जब OMG 2 भी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे बोला था कि यार क्यों तेल चढ़ा रहे, क्यों पानी चढ़ा रहे हो, क्यों सिंदूर लगा रहे हो, ये बेकार की चीजें हैं, वेस्ट चीजें हो रही है, और वही बंदा दल बदलू पलटू एक नंबर का, अक्षय कुमार की फैंस ट्रोल कर रहे हैं, पलटू बता रहे इस बंदे को जो अपनी बात पे, अपनी जुबा पे नहीं रह रहा है, जो जुबा पे नहीं रह रहा है और जुबा केसरी खा रहा है, अरे कैसी तेरी जुबा और कैसा तेरा रंग। दोस्तों ये मैटर चल रहा है अक्षय कुमार के साथ। अब आती है बात भैया
दुनिया के जाने माने स्टार, सुपरस्टार भाई साहब, एक ऐसे स्टार जिसको यंगस्टर फॉलो करती है, एक ऐसे स्टार जो बुढ़ापे में जवान दिख रहे हैं, जिनकी पर्सनालिटी मेंटेन होती जा रही है, छपरी लोगों के आदर्श, छपरी लोगों के आइडियल, छपरी लोगों के इंस्पिरेशन, श्रीमान शाहरुख खान सर जी, जो कि इस गुटके के एड में है, ट्रोल कर रही है जनता, ट्रोल कर रही है सोशल मीडिया की, इनका अब क्या रोल है यहाँ पर? आप विमल पान मसाला का एड दे, शाहरुख खान, अब इनके जवान फिल्म आई थी भाई, जवान फिल्म ने 1200 करोड़ का कलेक्शंस कर लिया है, मतलब इतनी बुरी लागत हो गई भाई, इतनी बुरी लागत हो गई, क्या ये 1200 करोड़ घर के लगे थे क्या? मुझे तो दोस्तों डाउट हो रहा कलेक्शंस पे, वरना यार क्या जरूरत थी भाई सब ऐसे गुटके का एड करने के लिए? मतलब यार चंद लाख करोड़ के लिए तुम ऐसे ऐड करोगे जिससे यंगस्टर, अरे इस मैं तभी मानूं कि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग छपरी लोगों तक है, छपरे लोग जितने भी है सब गुटखा खाने वाली तो है लिटरली भाई, और आपको बता दूं कि सब गुटखा खाने वाले हैं। और छपरे लोगों ने क्या किया, छपरे लोग के आदरणीय आदर्शमान श्रीमान शाहरुख खान जिस ऐड में थे, जनता ट्रोल कर रही है कि भाई इतना बड़ा फिल्म का प्रोडक्शन करने के बाद, इतना बड़ा कलेक्शन करने के बाद जवान हिट गई, पठान हिट गई, लेकिन भाई साहब आपका विमल पान मसाला अभी भी करा रहे, जिस हिसाब से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, तभी लोग बॉलीवुड के खिलाफ है, और बॉलीवुड के ऐसी करतूतों के खिलाफ हमेशा जनता रहेगी, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट कोई एक है, क्या बोलते हैं, हेल्दी एडवर्टाइजमेंट नहीं। और अक्षय पाजी, अजय देवगन साहब, आपको भी सभी से अनुरोध है, प्लीज ऐसे एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए जिससे यंगस्टर आपको फॉलो करती है, अनफॉलो करे, आपसे निराश हो जाए, और तभी शायद यही रीजन है कि आप लोगों की फिल्में कभी भी ब्लॉकबस्टर नहीं होती है। सन्नी देओल ने कभी भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी है, जी हाँ, उनकी इमेज बहुत साफ है, तभी जब गदर 2 आई थी ना तो जनता ने दिल से प्यार दिया। आप लोग ऐसी हरकतों की वजह से ही दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों की फिल्मों का कलेक्शन हमेशा डाउन जाता है, और ये लोग हमेशा फेक कॉर्पोरेट बुकिंग के सहारे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कलेक्शन दिखा दिखा के एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पर सब कुछ फेक होता है। और दोस्तों रियल ऑन ग्राउंड पर इनकी फिल्में सब बॉयकॉट करते हैं। मिशन रानीगंज फिल्म अच्छी हो तो भी नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? अक्षय कुमार की सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन की वजह से, उनकी इमेज की वजह से ये फिल्म फ्लॉप गई है। अगर ये सब हरकतें ना करें तो शायद मिशन रानीगंज बहुत तगड़ा कलेक्शन करती। इसके बाद दोस्तों अजय देवगन की भोला भी फ्लॉप गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पान मसाला पान भार के ऐड कर रहे हैं फालतू चीजों का। और शाहरुख खान ने क्या ही कहने हैं, उनको तो बुढ़ापे में जवानी का शौक है, ठीक है दोस्तों, तो रमैया वस्ता भैया कर रहे हैं वो भी, जी हाँ। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या इन लोगों को ऐसे एडवर्टाइजमेंट रन करने चाहिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होना चाहिए जिससे यंगस्टर लोग फॉलो करती है? क्या ऐसे एडवर्टाइजमेंट बुरा असर छोड़ सकते हैं आज के नौजवानों पे, पीढ़ियों पे? क्या गुटके का ऐड कितना सही है, लाइक कमेंट करके बताओ, अपनी प्रतिक्रिया दो। जय हिंद, जय भारत। और क्या दोस्तों जो मैंने कहा है आप मेरी बात से सहमत हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट, इस तरह प्यार देने के लिए। हिंदुस्तान जिंदा।